अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आपके पास लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज का है। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी। इनइक्वालिटी का मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें कहा है कि वैल्यू इक्वल टू दिस है। इनइक्वालिटी का मतलब कि वैल्यू इक्वल टू जब नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन या लेस देन के साइन अगर इक्वल टू की जगह आ जाए तो वो वाली एक्सप्रेशन अब आपकी इनइक्वालिटी कहलाती है। तो आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि आपने इन वैल्यूज को, इन एक्सप्रेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स का आंसर बताना है। तो सवाल आपके पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला आपके पास सवाल, पहला पार्ट ये कि मैंने 1/4x = 5 के क्वेश्चन है। सोल्यूशन की हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से डालनी है और फिर अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से। जो पहला स्टेप है वो आपका वही होता है जो सवाल इटसेल्फ है। तो सवाल इटसेल्फ आपने उतार दी 1/4 x = 5, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 4 से आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को। 4 यहां इस लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये 4 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, आपस में कैंसिल कर देंगे। 5 × 4 = 20, एक्स का आंसर 20 आएगा। तो हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट उस वैल्यू को कहते हैं। अब यहाँ तो लीनियर इक्वेशन है, ज्यादातर आंसर एक ही आएगा, लेकिन ऐसा भी आपके पास पॉसिबल होता है। पीछे आपने देखा हुआ है कि एक्स के 2-4 आंसर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पावर क्या है। तो एक्स के आंसर अगर ज्यादा है तो वो आप ब्रैकेट में कॉमा डाल के लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर एक ही आंसर आ रहा है 20, तो x और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वो आंसर लिखेंगे। इसका मतलब ये कि x की जगह अगर 20 पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है, जो आंसर है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपके पास पहला सवाल है। पहला सवाल प्रॉपर स्टैंडर्ड से करवा दिया आपने, किस तरीके से एग्जाम में करना है वो यहां पर मैंने बता दिया। अब आगे के जितने भी सवाल होंगे उसमें मैं सोल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं उतारूंगा। जो क्वेश्चन इटसेल्फ होगा वो आपका पहला स्टेप ही होगा सोल्यूशन का। तो आगे प्रेजेंटेशन आपको खुद फॉलो करनी है। अब अपने सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट में कहा है x/4 = -3 के। अब तक जो आप पीछे भी कर रहे थे, आप कहते थे 4 को डायरेक्ट उधर भेज के -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आपने सीखना है। आगे चल के जो सवाल आते होंगे जिनकी लेंथ ज्यादा होगी वहां पर हम यही कर रहे होंगे कि जो एक साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, और अगर कोई वैल्यू एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। आगे चल के हम इसको डायरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और ये है कि आपके पास यहाँ पर 4 खत्म करना है, एक्स के पास 1/4 में जो 4 है उसको खत्म करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 4। स्टेटमेंट एक दफा लिखवा दी, अब वो हर दफा वही स्टेटमेंट होगी तो आपने वही दोबारा लिखनी है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x/4 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 को। तो ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स और -3 × 4 - 12। एक्स का आंसर आया -12, एंड में आप सोल्यूशन सेट लिख के -12 बीच में आंसर दे देंगे। इसी तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, -5 = -x/6। आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे बाय -6। -6 से क्यों, जब आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से -6 मल्टीप्लाई होगा और -6 से -x/6 मल्टीप्लाई होगा। 6 से 6 कैंसिल, -- मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से -+ 6 × 5 = 30, x = 30, ये आपका आंसर आ गया। आप एंड में सॉल्यूशन सेट की एडिंग डाल के x = (curly bracket) 30 आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ पर सवाल ये कि मैंने -x/8 = -5। अब यहाँ पर आपको -8 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -8। तो -8 से -x/8 और सिमिलरली -5 से -8 मल्टीप्लाई होगा। -+ 8 से 8 कैंसिल, 5 × 8 = 40, -+ तो आपके पास x = 40 आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के x = (curly bracket) 40 आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, y = (y-2/5) - 1/3 है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर एलसीएम अप्लाई होगा और एलसीएम की क्लास मैं आप लोगों की ले चुका हूँ। एलसीएम आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बेसिक मैथ मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें एलसीएम लेना आपको अब तक आता है।
आपने -2/5 को उधर शिफ्ट किया तो ये आपके पास माइनस की जगह उस साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2/5 इधर आके +2/5 में कन्वर्ट हुआ। एलसीएम लेंगे 3 और 5, जब एलसीएम लिया जाएगा तो 15 नीचे आएगा, 15 मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, तो 15/3 5 मल्टीप्लाई होगा -1, तो -1/5। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, तो 15/5 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -5 + 6 / 15 यानी के 1/15 आपके पास आंसर आएगा वाई का, क्योंकि वाई यहां पर चलता आ रहा था लेफ्ट साइड पे। वाई का आंसर आ गया -1/+1/15, माइनस तो नहीं है, वाई का आंसर 1/15 आ गया। आप कहेंगे सोल्यूशन सेट वाई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1/15। तो जितने भी आपके आगे के पार्ट है इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहा हूं, 6 पार्ट में आपको ये सवाल गिवन है। इसमें भी आप अपने -3/5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो आपके पास +3/5 हो जाएगा। एक्चुअल तरीका जिस तरह यहां पर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स बाय 3/5। तो ऐड करते वक्त आपके पास राइट साइड पे +3/5 आएगा और लेफ्ट साइड पे +3/5 आएगा, तो +3/5 -3/5 आपस में कैंसिल आउट होंगे। ये फैक्टराइजेशन में बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन मेथड जब आप कर रहे थे वहां पर आपने ये चीज सीखी थी, तो वहां पर तो स्टेटमेंट बकायदा लिखी थी, यहां पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो आपके पास 3/5 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां माइनस है, यहाँ प्लस में कन्वर्ट होगा। अब आपका एलसीएम लिया जाएगा 2 और 5 का एलसीएम 10, न्यूमरेटर में आपके पास 10 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो पीछे 5 × 1, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, तो एंड में आपके पास 3 × 2, तो आपके पास 5 + 6 / 10 बराबर आएगा 2y जो चलता आ रहा है। तो 2y = 5 + 6 = 11 डिवाइड बाय 10, तो 11/10 = 2y, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। मुझे y चाहिए, मुझे यहाँ पर 2y नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y/2 और 11/10/2 आप इस तरीके से लिख लें, 2 से 2 कैंसिल होगा, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास y = 11/20, ये y का आंसर आएगा। एंड में आप सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के y = curly brackets के अंदर 11/20 लिख देंगे। ये आपके पास 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 7th पार्ट पे आ जाए, 7th क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है 7th पार्ट। अब यहां पर एक नया आप लोगों ने सीखना, नया तो खैर नहीं, करते आए हैं आप इससे पहले भी, लेकिन आप लोगों ने दोबारा रिवाइज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होती है कि आपके पास राइट साइड पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 5 इधर जो पूरी वैल्यू उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इधर पूरी वैल्यू है उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2x -4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 5x -12 से, तो आगे पास 4 × 2x 8x, 4 × 4 16 और बीच में माइनस है तो -16, 5 × 5x 25x, 5 × -12 -60। अब -60 उधर भेज रहा हूँ लेफ्ट साइड पे और 8x भेज रहा हूँ राइट साइड पे, तो 25x - 8x हो जाएगा, और यहां पर -16 और इधर से 60 माइनस का यहां पर आया तो +60 में कन्वर्ट हुआ, -16 + 60। अब -16 + 60 44 होगा, 25x - 8x 17x। अगले स्टेप में आप 17 को उस साइड पे भेजेंगे, यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हालांकि मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखवा के करता तो बेहतर था, लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से मैंने डायरेक्ट किया, अदरवाइज आप चाहें तो इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17 करें, तो जिस तरह यहां पर आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू लिखी जा सकती है 44/17 = x। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि आगे चल के हम इसी एक्सरसाइज में या इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ये स्टेप कर रहे होंगे डायरेक्ट, तो ये यहां पर आपको ये बताना था कि दो स्टेप आपके डायरेक्ट, 2-3 स्टेप हम नल कर देते हैं, नलीफाइड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कि अगर यहां पर मैं उसी तरीके से करता तो स्टेटमेंट लिखता डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 17, फिर एक स्टेप आता है कि मैं डिवाइड कर रहा हूं, अगले स्टेप में फिर आगे 44/17 = x आता, तो यहां पर आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब ये सवाल आता आएंगे तो आपने डायरेक्ट नहीं करना है। आपके पास एक्स का आंसर आ गया 44/17, आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 44/17, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट 8th पार्ट में आपको कहा है 3x/5 + 7 = 2x/3।
मैं एक्स यानी वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स वाली टर्म एक जगह, कॉन्स्टेंट टर्म्स दूसरी जगह, तो 7 प्लस 7 है इस साइड पे, राइट साइड पे आके माइनस 7 में कन्वर्ट होगा, यहाँ प्लस 2x अपॉन 3 है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस 2x अपॉन 3 में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। एलसीएम लें 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई करें 3x अपॉन 5 से, तो 15 अपॉन 5 3, 3 मल्टीप्लाई होगा 3x है, तो आपके पास 3 इंटू 3x, सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई करें 2x अपॉन 3 से, तो आपके पास 15 अपॉन 3 5, 5 मल्टीप्लाई होगा 2x है, तो आपके पास 9x माइनस 5 इंटू 2 10x होल डिवाइड बाई 15 बराबर आया माइनस 7 के। अब यहां पर 9x माइनस 10x माइनस x होल डिवाइड बाई 15 इक्वल टू माइनस 7 हो गया। आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस 15 करना है, तो माइनस 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहां पर आपके पास माइनस 15 मल्टीप्लाई होगा माइनस x अपॉन 15 से, बराबर ये वैल्यू है माइनस 7 इंटू 15, तो आपके पास माइनस 15, ये माइनस माइनस प्लस और 15 से 15 कैंसिल, तो पीछे प्लस x माइनस, यहां पर मैंने 15 डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 15 है तो माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 15 105, तो x का आंसर आपके पास आ गया 105, सॉल्यूशन सेट आप लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर 105 इसका आंसर आ गया। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वहां से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये सवाल गिवन है। अब यहां पर आपको एलसीएम दोनों तरफ लेना पड़ेगा, आपकी लेफ्ट साइड पे भी दो एक्सप्रेशंस हैं, दो वैल्यूज हैं, राइट साइड पे भी दो हैं, तो यहां पर एलसीएम लेंगे, जहां पर आपके पास डिवाइड कोई वैल्यू नहीं हो रही, तो वहां पर अंडर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 हो रहा है, तो हम मेंशन नहीं करते, ना करने की जरूरत है। तो एलसीएम जब लेंगे तो डिवाइड बाय 5, होल डिवाइड बाय 5, जो 5 है एलसीएम आएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3x अपॉन 5 से तो 3x बचेगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 35। यहां पर आपको डायरेक्ट मैंने करवाया है, ऑल दो पीछे जो सवाल आता रहा उसके अंदर मैं एक स्टेप इजाफी करवा रहा था, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है इजाफी, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 मल्टीप्लाई करें 2x अपॉन 3 से, तो आपके पास 3 और 15 एक ही टेबल में आते हैं, 5 इंटू 2 10x, सिमिलरली 4x अपॉन 5 मल्टीप्लाई करें 15 से, तो आपके पास 3 बचेगा, तो 4x इंटू 3 12x होल डिवाइड बाय 15 आपका एज इट इज। आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड बाय 15, तो 15 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 और 15 इंटू 15 यानी 15 आपके पास आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 1 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 35 से, और यहाँ 10x प्लस 12x मल्टीप्लाई होगा 1 से, 10x प्लस 12x सम कर लें 22x, 9x प्लस 105, 3 अंदर बेच के मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 इंटू 35 105, तो 9x प्लस 105 बराबर आएगा 22x के। आपने 9x अपना दूसरी साइड पे भेजना है, तो 22x माइनस 9x बराबर आएगा 105 के, एंड में आप इसको सॉल्व करेंगे तो 105 बराबर आएगा 13x के, तो 13x इज इक्वल टू 105 आपके पास वैल्यू आई है। आपने 13 को उस साइड पे भेज के डायरेक्ट डिवाइड करना है, यहां पर अब आप गौर करें, मैं आपको वो मल्टीप्लाई डिवाइड की स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा, डायरेक्ट करवा रहा हूं, पीछे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन वहां पर क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टेप एक तो कम थे, और दूसरा वहां पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डिवाइड में भेजेंगे, यहाँ पर 13x में 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे भेज के डिवाइड करें, तो 105 डिवाइड बाय 13। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप एंड में सॉल्यूशन सेट कहेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका 105 डिवाइड बाय 13 है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। आप 10th पार्ट में आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से गिवन है, आपने अपनी एक वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जीरो है, इधर माइनस वाली एक्सप्रेशन उधर भेज के प्लस में कन्वर्ट करूंगा, जीरो प्लस दिस वैल्यू जीरो आपके पास कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो आपके पास एज इट इज 4 अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा प्लस साइन के साथ। अब 6 अपॉन 2x माइनस 5 बराबर है 4 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से और 4 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो माइनस 18, 4 मल्टीप्लाई करें 2x तो 8x माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इस साइड पे भेजेंगे तो माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन में कन्वर्ट होगा, 6x उस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस 18 अपनी जगह, यहां से इधर वैल्यू आके प्लस 20, 8x अपनी जगह, यहां से यहां पर आके वैल्यू माइनस 6x, तो माइनस 18 प्लस 20 प्लस 2, 8x माइनस 6x प्लस 2x
तो आपके पास यहाँ पर 2/2 डायरेक्ट कर रहा हूं, अब स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो ये एक ही टेबल में आते हैं और x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट लिखे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरीके से 11th पार्ट भी है, सेम उसी तरीके से एक क्वेश्चन गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होकर 7x-4 से आपको वैल्यू मल्टीप्लाई करके देगा और 15 मल्टीप्लाई होगा 7x+4 से, तो 10 × 7 = 70x - 4 × 10 - 40, 15 × 7 = 105x माइनस बल्कि प्लस है, +4 × 15 आपके पास +60। यहां पर आपके पास 70x - 40 = 105x +60 वैल्यू आ गई, 40 उधर भेजें और 105 लेफ्ट साइड पे भेजें, तो 105 यहां पर आके -105x होगा, यहाँ -40 उस साइड पे जाके +40 में कन्वर्ट होगा, 70 - 105 - 35x, 60 + 40 = 135 माइनस के साथ है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे भेजेंगे, डिवाइड होगा -35, 100 / -35, 5 के टेबल से 5 7 टाइम्स और 5 20 टाइम्स ये वैल्यू होती है, तो आंसर आपके पास एक्स्ट्रा -20/7 आएगा। एंड में आप सॉल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिख के एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -20/7 ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आपके आगे भी पार्ट्स होंगे जो आपके आपने अब होमवर्क में ट्राई करने, तो पार्ट आपके 12th से ऑनवर्ड 15 तक ये आपका होमवर्क है। अब यहां पर आप लोगों के आज मैं क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ये सवाल गिवन है, जाहिर है होमवर्क था तो मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, प्रॉपर स्टेप्स तो कर दिए लेकिन अब आपको स्पीड में लेके चल रहा हूँ। यहां पर राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास 2 होगा 15 से 30 / 15, जाहिर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो एलसीएम आपके पास 15 ही आएगा, आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 15 से तो 30 आंसर आएगा, तो 7x - 3 - 30। किसी स्टूडेंट को अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एक लेक्चर मैंने आप लोगों का लिया था, एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, एलसीएम से रिलेटेड है, बेसिक मैथमेटिक्स की, वो आपकी जिम्मेदारी है कि एलसीएम पहले अच्छे से समझ ले ताकि आपको ये सब समझने में आसानी हो। तो आपके पास 3x - 2 / 10 लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड आपका 7x - 3 - 30 / 15 ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्टेटमेंट देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास 15 होगा 3x - 2 = 10 होगा 7x - 33, मैंने सॉल्व करके लिख दिया, -3 - 30 - 33 होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर 15 अब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 3 = 45x - 15 × 2 = 30, 10 × 7 = 70x, 10 × 33 आपके पास 330 माइनस के साथ। अब -330 उस साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ पर 45x है उस साइड पे, दूसरी राइट साइड पे ले जाएं तो यहाँ प्लस साइन है, इधर आके राइट पे माइनस साइन हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस साइन के साथ हो जाएगा, तो -30 + 330 और 70x - 45x आपस में सॉल्व करें, 300 = 25x, 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 / 25 = x, 300 और 25 एक ही टेबल में आते हैं 12 टाइम्स, तो आपके पास x इज इक्वल टू 12 ये x की वैल्यू आ गई। एंड में आप कहेंगे सॉल्यूशन साइड आपका x का कर्ली ब्रैकेट के अंदर 12 है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। नेक्स्ट आपका 13 ये सवाल गिवन है, यहां पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो रही है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8 होगा 12x - 3 से, 12 होगा 12x + 3 से, जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आपके पास 96, 8 × 3 = 24 माइनस साइन अपनी जगह, 12 × 12 = 144, 12 × 3 = 36 प्लस साइन अपनी जगह। अब 96 राइट साइड पे भेजें, 36 लेफ्ट साइड पे भेजें, तो ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आगे पास -24 - 36 = 144x - 96x सॉल्व करेंगे, -60 = 48x, 48 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -60 / 48 = x आपके पास वैल्यू आएगी, एक ही टेबल में आपके पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 12 के, तो आपके पास 12 5 times और 12 4 times आपके x का आंसर -5/4 आ गया। देयरफॉर आप कहेंगे सॉल्यूशन सेट इसका x की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट में -5/4 है।
नेक्स्ट आपका 14 पार्ट है, 14 क्वेश्चन में आपको ये सवाल गिवन है। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में पहले एलसीएम लेंगे, तो 1/4x बेसिकली x अपॉन 4 है प्लस x अपॉन 1 है, एलसीएम आपके पास 4 आएगा, तो x प्लस 4x डिवाइड बाय 4, ये आपके एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आ गई। इधर आपके पास x अपॉन 2 है ये, तो आपके पास ये -3/1 है, जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर -6 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2 ये वैल्यू आ गई। अब -6 प्लस x को आप x माइनस सिक्स की फॉर्म में लिखते हैं होल डिवाइड बाय 2, और x प्लस 4x 5x होल डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे 4 राइट साइड पे भेजूंगा तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने 4 को उधर साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा दिया। या इसका दूसरा तरीका होता है, आप स्टेटमेंट लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो पहले शुरू के सवाल आते मैंने आपको यही मेथड करवाया, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो 5x इक्वल टू x माइनस 6 होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से, 5x इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 6, 2 अंदर भेज के मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 12 इक्वल टू 5x। अब 5x आपके पास लेफ्ट साइड पे, तो 2x को भी उस साइड लेफ्ट पे भेज दें, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगी वैल्यू। 5 माइनस 2 3x, 3x इक्वल टू माइनस 12, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3, दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 4, एंड में आप आंसर कहेंगे सोल्यूशन साइड इसका x की पावर x इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह से है, यहाँ पर लेकिन हम m एक वेरिएबल है, अब तक x या कोई और वेरिएबल था, अब यहाँ m एज अ वेरिएबल है। m को एक तरफ लेफ्ट साइड पे, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड पे, m को यहाँ पर लेफ्ट भेजा, 1/3 को राइट साइड पे भेजा, तो m यहाँ पर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो 2m माइनस m, यहाँ पर प्लस 1/3 है, इस साइड पे आके माइनस 1/3 हो जाएगा, तो आपके पास -3/2 -1/3। इसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 2 और 3 का लें, 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई करें -3/2 से, तो आपके पास आंसर -9 आएगा। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई करें -1/3 से, तो आंसर आपके पास -2 आएगा, तो ऊपर आपने -2 लिख दिया, तो आपके पास m इज इक्वल टू -9 -2 होल डिवाइड बाय 6, यानी कि आपके पास -11/6। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे देयरफॉर दिस इज योर आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका m इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -11/6 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट से जो कि हमने क्लास में डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, एक नंबर है जिसमें 25 को एड कर रहे हैं, x को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो नंबर है, लेकिन अभी यहाँ सवाल में नहीं कहा, द रिजल्ट इज हाफ, तो x अगर वो नंबर है जिसमें 25 हमने ऐड किया, अगर उसको हाफ कर दें तो जो रिजल्ट उसका है हाफ अगर करने पर, द आंसर इज 3 टाइम्स, जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, वो जो ओरिजिनल नंबर हमने सपोज किया था। तो सवाल दोबारा ही दो पढ़ रहा हूं, व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, तो 25 किसी नंबर में ऐड हो रहा है, वो नंबर आपको नहीं पता, फिर आगे ब्रेक करके कह रहा हूं द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो आंसर जो आएगा यानी इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स होगी उस नंबर के जो हमने शुरू में लेट किया। अब अगर मैं एक्स को सपोज कर रहा हूं कि वो रिक्वायर्ड नंबर है, तो आपका एक्स में 25 ऐड हो रहा है, फिर ऐड करने के बाद ये जो रिजल्ट आया एक्स प्लस 25, इसको आपने हाफ किया यानी एक्स प्लस 5 होल डिवाइड बाय 2, और फिर कहा कि उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर एक्स था उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर होगा। तो बेसिकली इन सवालात में आपको वर्डिंग में प्रॉब्लम बता दी, उसको आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है कि आपके पास यहाँ पर x प्लस 25 होल डिवाइड बाय 2, ये कंडीशन लेफ्ट साइड में दे दी, x इज द रिक्वायर्ड नंबर, और कहा कि जो आंसर है यानी कि इक्वल टू दैट आंसर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर यानी कि 3x, ये आपके सवाल में कंडीशन गिवन है, तो आप कहेंगे लेट x इज द रिक्वायर्ड नंबर, सॉल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, फिर ये इस तरीके से लेट करेंगे x इज द रिक्वायर्ड नंबर, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये डायरेक्ट लिखेंगे। सवाल को पढ़ के आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए,
तो आपने सवाल को पढ़ के अपनी कंडीशन बनाई, x प्लस 25 को हाफ किया, दैट इज इक्वल टू, या आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी कि 3x। अब ये एक्सप्रेशन आपकी जनरेट हो गई, अब इसको सॉल्व करें, x का आंसर निकालें, तो उधर भेजेंगे 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 3x into 2, लेफ्ट साइड आपकी x plus 25 as it is, x plus 25 equal to 6x, यहाँ पर x plus है, इधर भेज के माइनस करेंगे तो 6x minus x, तो आपका 25 यहाँ पर as it is, 25 equal to 5x हो जाएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज के डिवाइड कर दें, 25 divided by 5 equal to x, तो 5 और 25 एक ही टेबल में आते हैं, 5 1 times and 5 5 times, तो आपके पास x is equal to 5, ये आंसर आ जाएगा। आपके सवाल में कहा था व्हाट इज द नंबर, एंड में आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, या चाहे तो एक लाइन इजाफी लिख दें, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो अगर दिल चाहता है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट इजाफी लिख दें, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5, तो बहरहाल दोनों एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक भी अगर छोड़ दें। यहाँ पर इस सवाल में ये कंडीशन थी, तो इस कंडीशन से आपने वो आंसर, वो रिक्वायर्ड नंबर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से इसमें कहा है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, एक नंबर है जिसको 4 में ऐड करेंगे यानी कि x प्लस 4, तो x अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं नंबर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं टू 4, द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया यानी कि x प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे 10 को किसमें से, 3 टाइम्स ऑफ इट, 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर का मतलब 3x में से सब्ट्रैक्ट कर दें 10, तो ये जो जुमला लिखा हुआ है द रिजल्ट इज इक्वल टू के बाद सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब 3x में से, तो आपके सवाल में यही कंडीशन दी है कि आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज कि वो x है, उसमें आपने 4 को ऐड किया, द रिजल्ट जो रिजल्ट है यानी x प्लस 4 है, ये बराबर होगा 3x माइनस 10 के, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 को 3x में से, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। आगे का है व्हाट इज द नंबर, तो सॉल्यूशन की एडिंग डालेंगे, मैंने नहीं डाली, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के बाद का स्टेप कर रहा हूं, आपने ब्लू मार्कर से सॉल्यूशन की एडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, लेट उसी तरीके से करना है, x इज द रिक्वायर्ड नंबर, और फिर कहना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 10, ये रटना नहीं है, आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर x इस साइड पे राइट पे भेजेंगे तो वहां प्लस है, इधर माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 10 है, लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 4 प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस x, 3x माइनस x 2x, 10 प्लस 4 14, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो आपके पास 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 7, तो x का आंसर आपके पास 7 आया। यहाँ पर आप यही फाइनल आंसर इधर भी दे सकते हैं, या दिल चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर इज 7, जिस तरह यहाँ पर लिखा, तो आप स्टेटमेंट में लिखते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज, और इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ के इस सवाल के मुताबिक 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली, बिलाल आपके पास 6 साल बड़ा है अली से, अली उसका छोटा भाई है, तो अगर आपके पास एक भाई 6 साल बड़ा है, तो आपके पास यहाँ पर एज दोनों की नहीं बताई, बस बताया कि एक इंसान फॉर एग्जाम्पल एक्स एज का है, दूसरा इंसान जो उसका बड़ा भाई है उसमें 6 ईयर्स ऐड कर दें तो उसकी एज आ जाएगी। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40, यानी उन दोनों की एज को मिला दिया जाए तो वो 40 आएगा, तो 5 साल बाद 40 के होंगे, अभी दोनों की सम करेंगे एज तो 40 नहीं आएगा, 5 साल बाद उनकी एजेस जो भी होंगी उसको सम करें तो 40 आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर अभी 14-15 साल के हैं या जितने भी एज है आपकी, आप अपने ख्याल में सोचते हैं कि जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मेरे अब्बू या मेरी अम्मी की एज क्या होगी, तो ये जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं वही सवाल आपको बना के दे दिया कि आज से 5 साल बाद इन दोनों की एज जो भी होगी उसका सम करना है, आंसर 40 आ जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल दो बहन भाई हैं, तो आपकी अगर एज का सम किया जाए, अभी लेट सपोज 30 आ रहा है या अभी लेट सपोज 25, जो भी आपकी एज का सम आ रहा है, आप ख्याल में लेके आएंगे कि आज से 10 साल बाद हम दोनों की एज मिला दें तो 60 साल के हो जाएंगे, तो अभी मेरे अब्बू की एज जो है उससे ज्यादा के हो गए हम, तो ऐसे ख्यालात आपके जहन में आएंगे अगर, तो वही ख्यालात जैसा एक सवाल आपकी किताब में आ गया कि
आपका बिलाल एक भाई है जो कि 6 साल बड़ा है, उसका छोटा भाई है अली। 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40। आपके पास उन दोनों की एज को सम कर दें, दैट विल बिकम 40। तो अब बताएं हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, वो दोनों अभी इस वक्त कितने उम्र के हैं। तो दोनों की उम्र मालूम करने के लिए, दोनों की एज फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको काम करना है। सोल्यूशन की एडिंग उसी तरीके से, सारा लवाजमत आपको खुद पूरे करने, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की बात बता रहा हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आपके अली, अभी इस वक्त जो प्रेजेंट करंट एज है अली की, उसको आप अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स एयर्स है, एक्स आपको नहीं पता क्या है। और दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ बिलाल, आपके सवाल में कंडीशन बताइए कि एक्स में 6 ईयर्स ऐड कर दें तो आपके पास बिलाल की उम्र आ जाएगी। तो आपने अज्यूम किया कि एक की उम्र एक्स है, दूसरे की उम्र एक्स प्लस 6 हो जाएगी, जाहिर 6 साल बड़ा है। तो फिर गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपके पास 5 साल के बाद, ये अली का, ये ब्रैकेट अली के लिए है, 5 साल के बाद जो एज होगी अली की, जाहिर 5 प्लस x होगा, और 5 साल के बाद बिलाल की एज, ये जो कर्ली ब्रैकेट ये वाली है, ये बिलाल की ब्रैकेट बन गई। तो 5 साल के बाद ये एज बिलाल की है x प्लस 6। तो अब 5 साल के बाद बिलाल कितने साल का होगा और 5 साल के बाद अली कितने साल का होगा आपको नहीं पता। आपको कंडीशन ये गिवन है कि इनका सम, इन दोनों ब्रैकेट्स का सम बराबर है 40 के, ये गिवन कंडीशन थी। आपने इस कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व करना है 5 प्लस x एज इट इज, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन आपके पास बाकी साइन को अफेक्ट नहीं करता, तो प्लस 5 प्लस x प्लस 6, तो x प्लस x 2x, 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 इक्वल टू 40 अपनी जगह चलता आ रहा है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये एक्सप्रेशन बनानी है, उसके बाद तो आप सॉल्व खुद ही कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको सवाल को समझना पहले जरूरी है, और वो समझ आ गया अगर तो आप सॉल्व भी आराम से कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे 2x plus 16 equal to 40 तक आपने कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर equal to sign इस साइड पे किया, आपने इसी के नीचे लेके चलना है, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए मैंने इसको पीछे कर दिया। अदरवाइज कभी अगर ऐसा हो कि आपको equal to sign कहीं और लिखने की जरूरत पेश आ जाए, तो वहां पर आप अपने एक स्टेप में जहां पर चेंज किया है, या तो अगले स्टेप में जो पहले आपकी वैल्यू चलती आ रही थी उसी के नीचे लिख दें, उसी को फॉलो कर लें, या जो नया आपने स्टेप शिफ्ट कर दिया उसी इक्वल टू को फॉलो करें, उसी अलाइनमेंट को आपने फॉलो करना है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 16, तो 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 16 में 40 माइनस 16 24 होता है, 2x इज इक्वल टू 24, आपके पास 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ, तो उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 2 आपके पास 12, x इज इक्वल टू 12, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या थी? एज ऑफ अली। तो आप कहेंगे देयरफोर अली की वैल्यू x थी, तो अली की एज 12 इयर्स ओल्ड होगी प्रेजेंट टाइम पे, अभी करंट उसकी जो वैल्यू है, एंड बिलाल की एज x प्लस 60, जाहिर है 6 साल वो बड़ा है अपने छोटे भाई से, तो 12 प्लस 6 यानी के 18 इयर्स ओल्ड। तो बिलाल की एज 18 इयर्स ओल्ड है करंट। अब दोनों की एज आ गई, यहां तो आपका आंसर खत्म हो गया, आपने यहां पर एंड में इस तरीके से आंसर बेशक लिख दें, ये तो आंसर खत्म हो गया। सिंपली आप इसको दिमाग में वेरीफाई कर लें कि दोनों की एज को ऐड करें, 18 प्लस 12 30, 5 साल बाद, 5 साल अली के, 5 साल बिलाल के, दोनों को ऐड करें 10, तो 30 प्लस 10 40, तो आंसर आपको वेरीफाई हो रहा है, 40 ही आंसर बराबर इसके आ रहा है। तो ये आपके पास सवाल था, इसको जल्दी से नोट करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अब आप लोगों का आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि आपने सबसे पहले तो अपने जो इक्वेशंस गिवन है इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, और उसके बाद फिर वेरीफाई भी करना है इनके आंसर्स को। तो पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ गिवन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू 7, ये आपके पास सवाल गिवन है, इसमें आपने उसी तरीके सॉल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है और अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। फिर आपके पास 6 प्लस अंडर रूट x इज इक्वल टू 7, ये आपका सवाल था, इसको एज इट इज आपने उतारना है। अब आपने अगले स्टेप में 6 को यहाँ पर लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो आपके पास अंडर रूट x यहाँ रह जाएगा 7 माइनस 6 जो कि 1 के बराबर है, तो अंडर रूट x इज इक्वल टू 1। अब रूट को खत्म करने के लिए आपने शुरू में सीखा था कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं,
तो आप जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास एक्स रह जाएगा और वन का स्क्वायर वन के ऊपर कोई भी पावर हो वो वन ही रहता है, तो वन का स्क्वायर भी वन रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू वन, ये आपका आंसर आ गया। अब सोल्यूशन साइड आपको लिखना आता है, आपने सोल्यूशन साइड इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आंसर लिख दिया दैट इज वन। आगे जो दूसरा पार्ट आपके सवाल में कहा था कि वेरीफाई करें, तो आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है। आपके पास सवाल गिवन है, जब वेरिफिकेशन करते हैं तो आप अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड को चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है उसको वहीं रहना पड़ेगा। तो आपकी लेफ्ट साइड में 6 प्लस अंडर रूट एक्स है, आपका जो आंसर आया दैट इज 1, इसको पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपका 6 प्लस अंडर रूट 1 इक्वल टू 7। अब अंडर रूट में 1 वो बाहर रूट से आके भी 1 ही रहेगा, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 यानी 7 इक्वल टू 7, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। जब भी वेरिफिकेशन करते हैं मकसद हमारा हमेशा यही होता है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है, बराबर करना है। जब आपके पास ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास वेरिफिकेशन हो गई, यानी कि सवाल वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड आप लिख देंगे। इसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1, आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब मैं यहां पर पहला सवाल हमेशा प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में करवा देता हूँ, दूसरा सवाल या उसके बाद से जितने भी हैं वो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन के बाद से करवा रहा हूँ। सवाल आपके पास है किताब में, आपने उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, और फिर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 9 का, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो एक्स माइनस 9 बाहर आ जाएंगे रूट से, स्क्वायर और रूट आपके ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे को, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं इक्वल टू 1, तो एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1, 9 उधर भेजें तो वहां पर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू एक्स, एक्स विल बी इक्वल टू 10, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू 10 आपके पास यहाँ सोल्यूशन साइड लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में कि आपके पास 10 आंसर आया है, वेरिफिकेशन की एडिंग डालेंगे उसी तरीके से जिस तरह पीछे किया, सवाल लिखेंगे दोबारा अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1, पुट कर दें x की जगह जो उसका आंसर आया दैट इज 10, तो 10 माइनस 9 अंडर रूट में इक्वल टू 1, 10 माइनस 9 1 होगा, अंडर रूट 1 रूट से 1 बाहर आके भी 1 ही रहेगा, और राइट साइड में भी 1 ही था, तो 1 इक्वल टू 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सवाल ये गिवन है, यहां पर माइनस 2 राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो आपके पास लेफ्ट साइड में अंडर रूट वाई अपॉन 4 चलता आ रहा है, तो अंडर रूट वाई अपॉन 4 बराबर हो गया 5 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका वाई अपॉन 4 वैल्यू आ जाएगी, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, y अपॉन 4 इक्वल टू 25 आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये जो डिवाइड बाय 4 है दूसरी साइड पे बेस के मल्टीप्लाई करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू 100। अब y इक्वल टू 100 जब आपके पास आ गया तो ये आंसर मिल गया y का, सोल्यूशन सेट की स्टेटमेंट लिखे, सोल्यूशन सेट आपके पास y इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 100 आ गया। फिर आप वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन में आपके जो सवाल है वो एज इट इज उतारा जाता है, इसमें आप अपने सवाल में लेफ्ट साइड राइट साइड को चेंज नहीं कर सकते, तो आपने पुट करना है y इज इक्वल टू 100 जो आंसर आया था, आपके पास y अपॉन 4 यानी कि 100 अपॉन 4 अंडर रूट में 425 टाइम्स आपका 100 होता है, तो आपके पास अंडर रूट 25 वैल्यू आ गई, माइनस 2 इज इक्वल टू 3 अपनी जगह, अंडर रूट में 25 है ये बेसिकली 5 होता है, 5 आपका 25 का स्क्वायर रूट ले लें 5 आंसर आएगा, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। जो आपके पास ये कंडीशन मीट हो जाती है तो आप कहते हैं कि आपका सवाल हैंस वेरीफाई हो गया, तो आपने एंड में लिखना है वेरीफाइड, ये आपका आंसर आ गया। अब आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये सवाल गिवन है, आपने उसी तरीके से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखना है क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर आप करेंगे रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आपके पास रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 3x माइनस 7 वैल्यू आएगी। आप यहां पर प्लस 5 दूसरी साइड पे भेज के माइनस 5 करते हैं, यहां पर प्लस 3x दूसरी साइड पे भेज के माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x 1x, 1 मेंशन नहीं करता एज अ कोफिशिएंट, और माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12, तो x का आंसर माइनस 12 आ गया। सोल्यूशन साइड में आप लिखेंगे x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में माइनस 12,
अब यहाँ पर फिर आपने वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी है। सवाल आपके पास यही है, वेरिफिकेशन में आपको जो सवाल गिवन है डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करके आंसर देना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर करनी है। तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12, तो जहां पर भी x है वहां माइनस 12, तो 4 इंटू माइनस 12 48 माइनस के साथ, प्लस 5 अपनी जगह, 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36 माइनस 7 अपनी जगह, माइनस 48 प्लस 5 माइनस 43 और माइनस 36 माइनस 7 ये भी माइनस 43 होगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप यहां पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, फिफ्थ पार्ट। यहां पर आपके पास ये सवाल गिवन है, इधर आपका 7 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बेच के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 7 इक्वल टू अंडर रूट 3y + 12। अब अंडर रूट 3y + 12 इक्वल टू 27 वैल्यू आ गई। यहां पर स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है, मैंने डॉट डाल दी है। यहां पर स्टेटमेंट कौन सी आएगी, वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाली। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आपका यहां पर भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो 3y + 12 आपकी लेफ्ट साइड, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ये 12 दूसरी साइड पे बेच के माइनस कर देंगे माइनस 12, तो 441 माइनस 12 429, लेफ्ट साइड पे 3y चलता आ रहा है। अब 3y या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे बेच के डिवाइड कर दें, तो 429 डिवाइड बाय 3, y का आंसर 143 आ गया, 31 और 3 143 टाइम्स आर 429, तो आपके पास y इज इक्वल टू 143 आंसर आ गया। अब सॉल्यूशन साइड उसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट में 143 लिखेंगे, एंड में वेरिफिकेशन की एडिंग डालें, कि दो पार्ट्स हैं आपके सवाल में, पहला सॉल्यूशन साइड निकालना, दूसरा वेरीफाई करना। तो आपके ये सवाल है। अब सवाल में आप आंसर पुट करें, क्योंकि यहां जब वेरीफाई कर रहे हैं आप वैल्यूज को आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपने y इज इक्वल टू 143 पुट किया, जहां पर y है उस जगह, 3 मल्टीप्लाई करें 143 से, तो आ गया 429 प्लस 12 अपनी जगह, होल डिवाइड बाय 7 अपनी जगह, अंडर रूट 429 प्लस 12 अंडर रूट 441 होगा, 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट इज 21, होल डिवाइड बाय 7 चलता आ रहा, और राइट साइड पे 3 अपनी जगह चलता आ रहा है, तो आपका अंडर रूट 441 बेसिकली 21 के बराबर होता है। 7 और 21 एक ही टेबल में आते हैं 3 टाइम्स, तो आपका 3 लेफ्ट साइड इक्वल टू 3 जो के राइट साइड पे था, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर आ गई राइट साइड के, तो आप कहेंगे हेंस आपका ये सवाल वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इन बाकी सवाल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता, इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। आपके पास ये सवाल गिवन है, मेरे पास यहाँ 9 है, मैं 9 को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये 7 - 9 हो जाएगा, राइट आपके लेफ्ट साइड पे अंडर रूट एक्स एज इट इज, तो लेफ्ट साइड पे अंडर रूट एज इट इज आपका है, तो यहां पर 7 - 9 - 2 के बराबर। अब आपका सवाल कह रहा है कि अंडर रूट एक्स बराबर है -2 के, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, क्या कभी आपके पास अंडर रूट किसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आंसर अप्लाई होने के बाद नेगेटिव में आ सकता है। चैप्टर 1 आपने सीखा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती, उसकी जगह आयोटा आता है, आयोटा का मतलब अंडर रूट में -1 है, तो आपके पास ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अंडर रूट की वैल्यू किसी भी एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल x 4 हो सकता है, तो अगर x 4 होगा तो अंडर रूट 4 2 होगा, अगर x - 4 होगा तो अंडर रूट -4 2 आयोटा होगा, दोनों सूरतों में -2 नहीं आ सकता, जब आगे -2 आ ही नहीं सकता, तो यहीं से हमें नजर आ रहा है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स का कोई आंसर ही नहीं है, यानी कि एक्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके आगे तक वेरीफाई करेंगे कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ स्टेटमेंट आपने लिखनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह वहां लिखी हुई है, जब स्क्वायर लेंगे तो आगे बस अंडर रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 होगा, क्योंकि नेगेटिव बेस हैविंग इवन पावर आगे बस प्लस होती है, +2 यानी कि आगे +4 हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 ये आंसर आ गया, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि ये आंसर नहीं है, ना ही मैं सोल्यूशन साइड लिख रहा हूं, क्योंकि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। वजह उसकी क्या है, जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन में आपके पास सवाल ये एज इट इज, आपने पुट किया x इज इक्वल टू 4, जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो अंडर रूट 4 बेसिकली 2 होता है, 2 + 9 = 7, तो 2 + 9 = 11 = 7, 11 = 7 पॉसिबल ही नहीं है, किसी के पास अगर 11 बॉल हैं और किसी दूसरे इंसान के पास 7 बॉल्स हैं
तो 7 बॉल्स आर नॉट इक्वल टू 11 बॉल्स, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो आप कहेंगे hence left hand side is not equal to right hand side. तो जब आपके पास left hand side right hand side के बराबर नहीं है तो यहां से ये बात साबित हो गई, hence it is not verified. पहले तो ये it can not be verified, ये verify हो ही नहीं सकता, और दूसरा end solution does not exist, इसका solution भी exist नहीं करता. क्यों नहीं exist करता, पूरी logic मैंने अभी समझा दी. अगर यहां पर x जगह 4 या माइनस 4 पुट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस साइन दोनों केसेस में फिर भी नहीं आएगा. तो यहां पर आपके पास इस इक्वेशन के सोल्यूशन ना तो एग्जिस्ट करते ना ही ये इक्वेशन वेरीफाई हो सकती है, इसलिए आपका एंड में जो कंक्लूजन होगा कि आप लिखेंगे इट कैन नॉट बी वेरीफाइड एंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका फाइनल आंसर आएगा. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक ये आपके होमवर्क है, इसको अगर ये सारे सवाल आपने कर लिए तो आगे के जो 3 पार्ट्स हैं मैं डिस्कस ऐसे कर चुका हूं, वो आप लोग आराम से कर लेंगे. क्लियर है यहां तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास. अब आज हम आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं. 6.2 में आप लोगों ने जो अभी 6.1 के अंदर काम सीखा वही सारा काम ऑलमोस्ट 6.2 के अंदर भी है. तो सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपके 6.1 के जो लास्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 5 के, उसी की ऑलमोस्ट प्रैक्टिस आपको सिखाई जा रही है. यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया है मॉडुलस का. ये जो आपके पास दो डंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं ये बेसिकली साइन है मॉडुलस का. आपके पास मॉडुलस जब भी किसी भी वैल्यू पे आएगा और उसकी वैल्यू कही जा रही है कि फॉर एग्जांपल यहां पर 5 है, तो मॉडुलस का मतलब जब भी आप उसको हटाएंगे आप दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन लगाएंगे, उसी तरह जैसे आप स्क्वायर रूट को हटाते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट तो नहीं, स्क्वायर को मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो मैं अगर इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 लिखा जाएगा. तो मॉडुलस और स्क्वायर में ज्यादा फर्क नहीं है इस सेंस के अंदर, दोनों तरफ आपके पास वैल्यू प्लस माइनस की आती है. वजह उसकी ये है कि जब भी आप किसी के ऊपर मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसको कहते हैं. तो यहां पर आपको जो नया कॉन्सेप्ट सीखना है वो मॉडुलस का सीखना है. अब यहां पर ये मॉडुलस के साइन लगे हुए हैं. यहां पर आपके पास पहला सवाल गिवन है, आपने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि सॉल्यूशन सेट मालूम करें, तो मॉडुलस ऑफ 2x+1 इक्वल टू 6 है. आप सॉल्यूशन की एडिंग डालेंगे, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करेंगे, ब्लू मार्कर से एडिंग डालेंगे, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करेंगे. आपके पास सवाल एज इट इज पहला स्टेप आ गया. जब आप अपने मॉडुलस साइन को हटाएंगे तो दूसरी साइड पर आपके पास जो भी वैल्यू होगी उससे आप प्लस माइनस के साइन लगाने पड़ेंगे, यानी कि आइदर 2x+1 6 के बराबर है प्लस 6 और 2x+1 माइनस 6 के बराबर है. आइदर और का मतलब ये दोनों वैल्यूज x के लिए एग्जिस्ट करती हैं. तो यहां पर आपके पास 2x+1 इक्वल टू 6 अलग कर लिया, 2x+1 इक्वल टू माइनस 6 ये अलग कर लिया. इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करें. आपके पास यहां पर प्लस 1 है दूसरी साइड पे भेजेंगे माइनस 1, सिमिलरली यहां पर भी प्लस 1 है दूसरी साइड पे भेजेंगे माइनस 1. यहां प्लस 6 है, इधर माइनस 6 है. पहले इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी कि 2x इज इक्वल टू 5. यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x इज इक्वल टू 5/2, 2 यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/2 एक वैल्यू आ गई. सिमिलरली यहां पर आपने 1 उधर भेजा तो माइनस 6 माइनस 1 हो गया 2x के बराबर. 2x में आपके पास वैल्यू माइनस 7 के बराबर हो गई, 2x इक्वल टू माइनस 7 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 7/2. इस 2 को यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेज के डिवाइड कर देंगे. अब आपके पास x के दो आंसर आ गए, एक प्लस 5/2 दूसरा माइनस 7/2. आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन में x की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, आंसर आपके पास मॉडुलस अप्लाई करने पर 6 ही आएगा. तो वेरिफिकेशन यहां पर इस आपके सवालात में नहीं कही, तो वेरीफाई मैं नहीं करवा रहा. सोल्यूशन सेट आपको कहा था निकालना है, तो देयरफॉर सोल्यूशन सेट आप कहेंगे x इज इक्वल टू, पहले मैं नेगेटिव साइन लिखवाता हूं फिर पॉजिटिव यानी उससे बड़ी वैल्यू,
तो ये स्टैंडर्ड मैंने बनाया हुआ है, लाजमी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, तो माइनस सेवन अपॉइंट टू पहले और फिर उसके बाद प्लस फाइव अपॉइंट टू कॉमा डाल के आपने लिखा। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दे दी कि एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो एक्स अगर होल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर्स आपके वो नंबर्स जो जीरो वन टू थ्री ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो होल नंबर आपने चैप्टर वन में काफी डिटेल में सीखा था, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स हैं। तो मेरे पास अगर ये एक्स होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर में ही आना चाहिए। आपके पास सवाल ये कि मैंने सोल्यूशन की आपने हेडिंग डाली है ब्लू मार्कर से, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि सवाल का हिस्सा है तो मैंने लिख दिया, अदरवाइज सोल्यूशन में ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर मॉडुलस हटाना है, तो दूसरी तरफ राइट साइड पे प्लस माइनस सेवन हो जाएगी वैल्यू। आपके पास यहाँ पर आइदर फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व बराबर है प्लस सेवन के और फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व बराबर है माइनस सेवन के। अब यहाँ पर माइनस ट्वेल्व उधर भेजेंगे तो प्लस सेवन, यहाँ माइनस था उधर जाके प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, फाइव एक्स बराबर है सेवन प्लस ट्वेल्व। आपके यहाँ पर सेवन प्लस ट्वेल्व नाइनटीन इक्वल टू फाइव एक्स, फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर दें तो एक्स इक्वल टू नाइनटीन अपॉन फाइव ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पर माइनस ट्वेल्व है उधर जाएंगे, माइनस सेवन के साथ ये एड हो जाएगा, माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व क्योंकि यहाँ माइनस था, इस साइड में भेज के आपने प्लस कर दिया, तो माइनस सेवन प्लस ट्वेल्व आपके पास प्लस फाइव बराबर आएगा फाइव एक्स के। यहाँ फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आप भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, फाइव अपॉन फाइव वन के बराबर वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 19 अपॉन फाइव और x की वैल्यू वन आ गई, लेकिन सवाल में कहा था कि x का जो आंसर आएगा दैट बिलोंग्स टू होल नंबर, वन तो होल नंबर में आता है लेकिन 19 अपॉन फाइव होल नंबर में नहीं आता। तो क्योंकि 19 अपॉन फाइव होल नंबर में नहीं आता तो आप कहेंगे सिंस 19 अपॉन फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ये सिंबल का मतलब है डज नॉट बिलोंग, तो ऊपर जिस तरह कहा था कि x बिलोंग टू होल नंबर, इसका मतलब ये वैल्यू x की डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ वन, आपके पास वन उसका आंसर आएगा, दूसरे आंसर को आप निग्लेक्ट कर देंगे, वो आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको सवाल इस तरीके से कहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो सिंपली आपने मॉडुलस हटाया तो 12 के पास प्लस माइनस वैल्यू हो गई, तो 2x अपॉन 7 मॉडुलस के बगैर इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब आप कहेंगे आइदर 2x अपॉन 7 बराबर है प्लस 12 के और 2x अपॉन 7 बराबर है माइनस 12 के। यहां पर 7 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 2 अभी यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 12 एक ही टेबल में आते हैं 6 टाइम्स, तो आपका 6 इंटू 7 42 एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहां पर भी 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 इंटू 7, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, 2 और 12 एक ही टेबल में आते हैं 6 टाइम्स, तो माइनस 6 इंटू 7 माइनस 42, तो एक्स के दो आंसर आ गए 42 और माइनस 42, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इसका माइनस 42 कॉमा 42, ये आंसर फाइनल आ गया। तो इसी तरीके से आपके बाकी पार्ट्स भी हैं, आपने घर पे एज अ होमवर्क ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ये काम कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सवाल ये गिवन है, इधर मॉडुलस लगा हुआ है, मैंने आपको समझाया था कि ये मॉडुलस का साइन है, दोनों तरफ आपको ये जो डंडे लगे हुए हैं, ये जो आपके पास साइन है लाइन्स का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस। मॉडुलस जब भी आप हटाएंगे तो ये साइन हटाने के बाद जो दूसरी साइड है इक्वल टू के, वहां पर प्लस और माइनस दोनों साइन लिखा जाएगा, यानी कि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, आप इसमें चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे जब ये साइन हटाया मॉडुलस का तो 8 के साथ प्लस माइनस दोनों लिखा जाएगा। अब पिछले क्लास में मैं पिछले लेक्चर में क्या करता था, आइदर और इसी के बाद करके फिर सॉल्व करवाता था, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट मुझे और आगे समझाना है। प्लस माइनस वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर आप पिछले सवाल में जो थर्ड पार्ट है वहां देखें तो सिर्फ प्लस माइनस के साइन का फर्क था, अदरवाइज आंसर दोनों का सेम आ रहा था।
तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 यहां पर लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, तो प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई या डिवाइड हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे प्लस वैल्यू हो या माइनस वैल्यू हो, दोनों एक साथ क्यों ना लिखी हो, लेकिन एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास 8 × 3 = 24, तो प्लस माइनस 24 बराबर होगा 2x + 1 के। ये प्लस 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाके माइनस 1 में कन्वर्ट होगा, तो आपका 2x = ± 24 - 1। अब यहां पर मैं 24 - 1 = 23 ± नहीं लिख सकता, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजे यहां पे डिवाइड होगा, तो ±24 - 1 होल डिवाइड बाय 2, क्योंकि मैंने कहा डिवाइड या मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, क्योंकि जाहिर है आपके पास एक प्लस 24 है, दूसरा -24 है, तो आप कहेंगे आइदर x की वैल्यू -24 - 1 होल डिवाइड बाय 2 है, या और x = +24 - 1 होल डिवाइड बाय 2 है। तो जब मैं -24 - 1 यानी कि -25 होल डिवाइड बाय 2, ये आपका एक वैल्यू आ गई x की, और +24 - 1 = 23 डिवाइड बाय 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई x की। तो अगर आइदर ये वाली वैल्यू पुट करूं सवाल जो गिवन था उसमें, तब भी आंसर +8 आएगा, और या 23/2 ये वाली वैल्यू पुट करूं x की जगह, तब भी आंसर मेरे पास 8 ही आएगा, इक्वल टू जो 8 गिवन है। तो आइदर और इसलिए करते हैं कि आपके पास दोनों ही आंसर वैलिड है, आइदर x = -25/2 पुट करें तब भी आ गया +8 आंसर आएगा, और x = 23/2 पुट करें तब भी आंसर 8 ही आएगा। तो आप एंड में कहेंगे सोल्यूशन सेट आपका x = ये वैल्यू आ गई। हम स्टैंडर्ड यहां पर बना रहे हैं कि पहले छोटी वैल्यू उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन कोई स्टैंडर्ड लाजमी नहीं है, आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इसी तरह से, लेकिन यहां पर कंडीशन गिवन है, सवाल आपके पास ये गिवन है, सवाल आपने खुद उतारना है, सवाल पूरा उतारेंगे, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, मैं जितने भी सवाल आते हैं सोल्यूशन के बाद से करवा रहा हूं। तो सोल्यूशन की आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग डाली, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से किया, उसके बाद आपने ये स्टेप उतारना है, ये जो मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपने सोल्यूशन में नहीं लिखना। तो आपको सवाल गिवन है मॉडुलस ऑफ 5x - 3, फिर -8 = 4 है, तो आप इस -8 को राइट साइड में भेज के +8 कन्वर्ट करेंगे, तो 4 + 8 = 12 बराबर होगा मॉडुलस ऑफ 5x - 3। अब ये जो मॉडुलस आप हटाएंगे दूसरी साइड पे +12, तो ये ±12 हो जाएगा। जब भी आप मॉडुलस के सिंबल को, मॉडुलस के साइन को चेंज करेंगे, हटाएंगे, तो दूसरी साइड में प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, यानी वैल्यू +12 भी होगी -12 भी होगी। यहां पर ये -3 है, दूसरी साइड पे भेज के +3 करें, आपके पास +12 + 3 बराबर आएगा 5x के। इस 5 को यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड करें, तो +12 + 3 होल डिवाइड बाय 5। अब ये +3 12 के साथ एड नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास आइदर x बराबर है -12 + 3 होल डिवाइड बाय 5, या और x बराबर है +12 + 3 होल डिवाइड बाय 5 के। अब जो आपके पास +12 + 3 दैट इज 15 होल डिवाइड बाय 5, 15/5 एक ही टेबल में आते हैं, 15 आपके पास 5 3 times 15 होता है, तो x का आंसर 3 आ गया। दूसरी तरफ -12 + 3 - 9 होता है, तो -9/5 आप कहेंगे सिंस -9/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो -9/5 तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो इसलिए आप यहां पर कहेंगे कि सिंस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सिर्फ x = (curly bracket) 3, ये वाला आंसर, क्योंकि x आपके पास 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 इटसेल्फ अ नेचुरल नंबर, लेकिन -9/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो आप वही वैल्यू लिखेंगे जो सवाल में कहा था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो आंसर में भी x की वैल्यू वही आनी चाहिए जो नेचुरल नंबर में होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि ये सवाल है जिस तरह फोर्थ पार्ट था वैसी ये वाला पार्ट भी है, इधर आपके पास 3 माइनस हो रहा है, उधर भेज के आप प्लस कर दें, तो 8 + 3, और पीछे आपके पास मॉडुलस ऑफ 5x + 1 होल डिवाइड बाय 7 अपनी जगह, 8 + 3 = 11, 11 आपके पास बराबर है ये मॉडुलस के, मॉडुलस के साइन को जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास मॉडुलस का सिंबल हटा, +-11 हो गया ये। अब 7 उधर भेजेंगे,
तो प्लस माइनस 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 7, उधर डिवाइड हो रहा था, तो 11 इंटू 7 77। अब चाहे प्लस 11 को मल्टीप्लाई करूं 7 से या माइनस 11 को मल्टीप्लाई करूं 7 से, दोनों के आंसर में 77 ही आएगा, एक प्लस के साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ। और लेफ्ट साइड में आपके पास 5x प्लस 1 ये चलता आ रहा है, तो 5x प्लस 1 में प्लस 1 दूसरी साइड में भेज के माइनस 1 में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस 77 माइनस 1 इक्वल टू 5x, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेज के डिवाइड कर दिया, तो आपका 5x यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5। अब आप कहेंगे आइदर x बराबर है माइनस 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5 के, या और x बराबर है प्लस 77 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 5 के, तो माइनस 77 माइनस 1 माइनस 78 अपॉन 5 और प्लस 77 माइनस 1 प्लस 76 अपॉन 5। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए, आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट में x बराबर है एक माइनस 78 अपॉन 5, दूसरा 76 अपॉन 5। ये आपके पास तीन पार्ट आज हमने डिस्कस कर लिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ, 7 में आपको कंफ्यूजन नहीं है तो जाहिर है वो फिर मैं अब स्किप कर रहा हूँ। सिमिलरली 10th पार्ट भी स्किप कर रहा हूँ, उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं थी। 8th पार्ट में आपसे कहा है, ये सवाल गिवन है और साथ में कहा है कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपके प्लस माइनस वैल्यूज होती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जितने भी इस तरह के नंबर है, जीरो इंक्लूडेड, वो सारे आपके इंटीजर्स में आते हैं। तो आपने सोल्यूशन की एडिंग ब्लू मार्कर से डालनी है और ये वैल्यू ये चीज नहीं लिखनी, यहां से आपने अपना काम नोट करना है। सवाल आपके पास ये गिवन है, इसमें आपको नजर आ रहा है मॉडुलस वैल्यू है तो प्लस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ प्लस 1 है, दूसरी साइड पे भेज के माइनस 1 करें, 3 माइनस 1 2, लेफ्ट साइड आपकी एज इट इज चलती आ रही है मॉडुलस वाली। अगले स्टेप में ये मॉडुलस का साइन सिंबल हटाएंगे तो आपके पास दूसरे साइड पे प्लस माइनस साइन आएगा, तो आपके पास 3x plus 6 whole divided by 12 left side equal to plus minus 2 हो गया। ये 12 उधर भेज के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 into 12 24 plus minus के साथ 3x plus 6 left side आपकी, जाहिर है 12 उधर चले गया, 3x plus 6 रह गया। अब 3x plus 6 में जो plus 6 है दूसरी तरफ भेज के minus 6 में कन्वर्ट करें, आपके पास 3x will be equal to plus minus 24 minus 6। अब यहां पर इसमें आप सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते 6 को, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें, तो प्लस माइनस 24 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 3 आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे आइदर x बराबर है माइनस 24 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 3 के, या x बराबर है प्लस 24 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 3। तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस 24 माइनस 6 माइनस 30 होल डिवाइड बाय 3 में 3 और 30 एक ही टेबल में आते हैं 10 टाइम्स, तो x will be equal to minus 10, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके जो इधर और करके वैल्यू है 24 माइनस 6 18, 18 डिवाइड बाय 3 6, तो x is equal to 6, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप कहेंगे therefore solution side आपके पास minus 10 comma 6 ये आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको 3 अपॉन 2 इक्वल टू, अरेंजमेंट आगे पीछे कर दी, आप और करके लिखेंगे मॉडुलस ऑफ 7x plus 8 इक्वल टू 3 अपॉन 2 है, जब मॉडुलस के सिंबल को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस साइन आएगा, यहां पे प्लस 8 है दूसरी तरफ भेज के माइनस 8 कर दें। अब आइदर 7x इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 8, ऑल दो आप एलसीएम यहां पर डायरेक्ट ले सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है, आप आइदर और करके लिख दें, तो आपने आइदर 7x बराबर है माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 8 के, और 7x बराबर है प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 8 के। इधर आप एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 8 16, तो माइनस 3 माइनस 16 होल डिवाइड बाय 2, और यहां पर 7x मल्टीप्लाई हो रहा है 7x के साथ, तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस 3 माइनस 16 माइनस 19 अपॉन 2 इंटू 7 हो गया, तो माइनस 19 अपॉन 14 एक आंसर आ गया। और x आपके पास यहां पर 7x बराबर है 3 अपॉन 2 माइनस 8, एलसीएम ले 3 माइनस 16 होल डिवाइड बाय 2, 3 माइनस 16 आपका माइनस 13 होगा,
इधर 7x 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 7 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 14। ये आपके पास दो आंसर आ गए। एंड में सोल्यूशन सेट में आप इस तरीके से लिख के अपना फाइनल आंसर दे देंगे। यहां तक किसी भी कंफ्यूजन? बस यहां पर आप लोगों का एक्सरसाइज 6.2 का काम सारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी सवाल आते हैं ज्यादातर हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, दैट इज 6.3। आज आप लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 में बहुत सारे आपके हैं तो खैर छोटे सवाल, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि नंबर लाइन के ऊपर अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। अब आपने जिस तरीके से पीछे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, अब यहां पर इस एक्सरसाइज में इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। इनइक्वालिटीज क्या है? आपकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है किसी वैल्यू से। तो ये जो ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल है, जैसे यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया हुआ है, आगे किसी सवाल में लेस देन का सिंबल भी होगा। तो जब आपकी इक्वेशन में इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए, वो सिंबल इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को आप इक्वेशंस के बजाय इनइक्वालिटीज कहते हैं। दूसरा आपसे सवाल में कहा है एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो चैप्टर नंबर 1 में आपने नंबर लाइन सीखी थी, वो जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट वहां सीखा था वही यहां पर आपने इंप्लीमेंट करना है। तो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 आपके यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 6 प्लस एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू आपके नेचुरल नंबर्स, यानी x की सारी वैल्यूज बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में, और आपके पास ये इनइक्वालिटी गिवन है। जिस तरह से आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही आप इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मसला या फर्क इतना सा है, इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है, इनइक्वालिटी में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती। आपको कहा जाता है इस वैल्यू से या तो ग्रेटर वैल्यू है या लेसर वैल्यू है। तो आपके पास सवाल गिवन है, आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। आपको 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 6 प्लस x गिवन है। जैसे उधर सॉल्व करते थे वैसे यहां पर भी करेंगे। वहां पर आप जिस तरीके शिफ्ट करते थे, ये आपकी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो राइट साइड से प्लस x लेफ्ट साइड पे जाके माइनस x में कन्वर्ट होगा, लेफ्ट साइड से माइनस 7 राइट साइड पे आके प्लस 7 में कन्वर्ट होगा। 2x माइनस x प्लस x 6 प्लस 7 13, तो x इज ग्रेटर देन 13, ये आपकी इनइक्वालिटी कह रही है। x की वैल्यू आपको पता चल गई, इट इज ग्रेटर देन 13। अब x का है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर में 13 से बड़े, x आपका नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 13 से बड़े वैल्यू, बड़े नंबर्स कौन से हैं? तो आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो आएगा उसको पढ़ने का तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोबारा बता रहा हूं, x ये लाइन होती है सच दैट x बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है नेचुरल नंबर्स, एंड एंड का सिंबल आगे मैंने चेंज लिखा हुआ है, इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हैं, एंड x इज ग्रेटर देन 13। तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, यानी कि x बराबर है 14, 15, 16 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो ये है, 13 के बाद 13 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 14 है, उससे बड़ी 15, तो x कैन बी 14, 15, 16 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू। तो ये तो आपका पहला पार्ट था, आपने फाइंड करना था सोल्यूशन सेट को, सोल्यूशन सेट आपने निकाल लिया। नेक्स्ट आपका पार्ट है जिसमें कहा है रिप्रेजेंट करें अपनी वैल्यू को, अपनी इक्वेशन को नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन बनाने का तरीका मैंने आपको चैप्टर 1 में डिटेल में सिखाया था, दोबारा समझा रहा हूं। आपने एक स्केल लेना है, स्केल में आपके पास जो मिड पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर का स्केल है तो 5 सेंटीमीटर इज द मिड पॉइंट। आपके पास 20 सेंटीमीटर का स्केल है तो 10 सेंटीमीटर इज द मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट। तो मिडल वैल्यू से आप स्टार्ट करेंगे, उसको जीरो अज्यूम कर लें, लाइन स्केल की मदद से एक ड्रॉ करें और जितना उसके अंदर पोर्शन छोड़ा हुआ है, अब एक यूनिट, एक डिजिट जो उसमें छोटा हुआ है, फॉर एग्जांपल जीरो के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आ रहा है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, तो उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर। अगर आप अपना स्केल देखें तो स्केल में जीरो यहां पर स्टार्ट अगर हो रहा है और जीरो और वन के दरमियान आपके पास 10 डिजिट्स होंगे, 10 डिविजन्स होंगी। तो ये जो फर्स्ट डिविजन है इसको आप पढ़ते हैं 0.1 सेंटीमीटर, इसको नेक्स्ट को 0.2। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि एक लाइन ड्रॉ करें जिसकी लेंथ हो 1.4 सेंटीमीटर,
तो आप क्या करेंगे, स्केल जीरो से शुरू करेंगे, वन के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो 1.4 तक आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप कहेंगे कि ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई ऑफ 1.4 सेंटीमीटर। तो उसी स्केल की मदद से आपने जीरो मिड वैल्यू कहीं से भी कोई भी आपने पॉइंट की, लेकिन अब जो उसके अंदर डिविजन है उन डिविजन के मुताबिक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक डिविजन को एक रखें, दो को एक मान लें, तीन डिविजन को एक मान लें। मैं यहाँ पे कहता हूँ एक डिवीजन को एक ही माने। तो जीरो के बाद जो पहला डिवीजन है, पहला यूनिट है, पहला जो आपके पास लाइन ड्रॉ हुई भी है, उसको आप वन अज्यूम करें, नेक्स्ट टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, और ये वाली लाइन फाइव। तो जिस तरह जीरो और वन के दरमियान 10 डिवीजन है, आपने अपने लिहाज से खुद डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर जो सजेस्ट कर रहा हूँ, जीरो एक लाइन, उसके बाद जो दूसरा डिजिट है, दूसरा डिवीजन है, उसको वन मान लें, दूसरे उसके बाद जो आ रहा है उसको टू, उसके नेक्स्ट को थ्री, उसके नेक्स्ट को फोर, और जो हाफ है जीरो और वन के दरमियान जो हाफ है उसको आप फाइव मान लें। ये आपने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर जीरो से फाइव, फिर फाइव से टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाए। सिमिलरली बैक साइड पे भी, बैकवर्ड भी आपने इसी तरह से स्केल बनाते जाने। तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये आपने जीरो रखा मिड वैल्यू, उसके बाद आपके पास वन टू थ्री फोर, और फिर उसके बाद ये फाइव आ गया, फिर सिमिलरली सिक्स सेवन एट नाइन, और ये टेन आ गया। आपसे कहा है एक्स इज ग्रेटर देन थर्टीन, थर्टीन को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका टेन के बाद इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, थर्टीन का पॉइंट ये है, इसको जो है दूसरे कलर से या पेंसिल से अगर कर रहे हैं तो डार्क कर लें, बेहतर ये लाइन पेंसिल से ड्रॉ करें, ब्लू पेन से उस पर डॉट लगा दें, और उसी डॉट को जहां लगाया उससे ऊपर इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर दें। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि 13 है कहां पर, और वहां से उसी पेन से एरो ड्रॉ कर लें जिस तरफ वैल्यू बढ़ रही है। अब अगर x इज ग्रेटर देन 13 तो x की वैल्यू 13 के जाहिर फॉरवर्ड है, ऑनवर्ड बढ़ रही है, तो आपका ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू 13 से बड़ी है, यानी कि 14 भी इसमें आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 17, 18, 19 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास लाइन में, अपनी नंबर लाइन में x को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर है यहां तक? अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। इसी तरीके से सवाल आपको गिवन है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। अब यहां पर कंडीशन दी है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहां पर आपको पिछले सवाल में कहा था नेचुरल नंबर, यहां पर कहा है रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। यहां पर आपको सवाल गिवन है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ब्लू मार्कर से अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, सवाल दोबारा उतारेंगे। सिक्स यहां पर माइनस है, दूसरी साइड पे बेच के प्लस सिक्स हो गया, यहां पर थ्री एक्स प्लस है, लेफ्ट साइड पे बेच के माइनस थ्री एक्स हो गया, तो सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स हो गया, और ग्रेटर देन का सिंबल चलता आ रहा है, टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन, यहां पर फोर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे बेच के डिवाइड कर दें। मैं यहां पर स्टेटमेंट भी लिख सकता था इस जगह पर कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय फोर, जो कि आपको पहले सिखाया था, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, फोर उधर बेच के डिवाइड हो जाएगा, तो 16 अपॉन 4, 4 और 16 एक ही टेबल में आते हैं, 4 टाइम्स आपके पास, तो आपका x इज ग्रेटर देन 4 ये आंसर आ गया। अब x इज ग्रेटर देन 4 तो आप यहां पर लिखेंगे कि देयरफोर सॉल्यूशन सेट आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड ये एंड का सिंबल है, एक्स इज ग्रेटर देन फोर। तो आपके पास एक्स अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो और एक्स ग्रेटर देन फोर है, इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू आएगी फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड सो ऑन, क्योंकि रियल नंबर आपके पास यही सारे होते हैं। फिर आप उसी तरीके से जैसे यहां पर मैंने बताया एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक मिड वैल्यू, मिड पॉइंट जीरो अज्यूम कर लेंगे, जीरो मान लेंगे, और फिर उसके बाद 5, 10 जैसे वहां पर आपने नंबरिंग की है, जितना आपने डिविजन वहां छोड़े सेम वैसे ही आपने यहां पर भी छोड़ लें, तो 5, 10, 15, 20 इसी तरह मैंने शुरू के कुछ बना दिए हैं, लेकिन बाकी सारे डिविजन आपने खुद पूरे करने जैसे वहां मैंने पूरे किए हैं। यहां पर वैल्यू है एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो 4 आइडेंटिफाई करना है, 4 यहां पर है, आपने लाइन पेंसिल से ड्रॉ की, ब्लू पेन से 4 के ऊपर स्पॉट बना दिया, सर्कल आउट कर दिया, और उसी लाइन में सीध में ऊपर एक सर्कल इस तरह ड्रॉ किया। अब क्योंकि x इज ग्रेटर देन 4 तो एरो रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन कहां जा रही है, ग्रेटर देन 4 जा कहां रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 4 आपके पास इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी कि इस लाइन का मतलब यह है
कि जितनी भी एक्स की वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 4 वो यहाँ पर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 से ऑनवर्ड काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को मैंने 1 और 2 पार्ट करवा दिए, थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड अभी करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है जिसमें आपको कहा है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जाहिर है मैं सॉल्यूशन के बाद से काम करवा रहा हूँ, आपने सवाल उतारना है जैसे किताब में गिवन है, ब्लू मार्कर से सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करके फिर आपने ये क्वेश्चन एज इट इज नोट करना है। ये सवाल आपके पास गिवन है, आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स बाय 20। लास्ट क्लास में मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर रहा था लेकिन इस सवाल में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सवाल है ही इतना छोटा सा कि अगर मैं डायरेक्ट शिफ्ट करना शुरू कर दूं तो जो एक्चुअल आपका कॉन्सेप्ट है एक तो यहाँ पर वो भी डिस्कस करना है, दूसरा सवाल की लेंथ भी हमें स्टेप भी प्रॉपर रखने। तो बहरहाल आपने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 20, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें एग्जामिनर अक्सर मार्क्स काट देते हैं क्योंकि जब लेंथ छोटी है तो आपको स्टेप मिस नहीं करने, वहां डायरेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इटसेल्फ क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है तो डायरेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर आकर लेंथ छोटी है आपके स्टेप्स कम है। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 20, तो आपने दोनों एक्सप्रेशन को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 और 20 आपस में डिवाइड होकर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, 10 2 times 20 होता है तो आपके पास ट्वाइस ऑफ 25 - 4y और लेफ्ट साइड पे y+5, ये आपके पास सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है y+5 इज लेस देन ट्वाइस ऑफ 25 - 4y, ये लेस देन का सिंबल आपके पास है। अब आप शिफ्ट कर दें 8y को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे और 5 को लेफ्ट से राइट पे, तो यहाँ -8 है उधर जाके +8, y+8 9, आपके पास y+8y 9y और 50 - 5 = 45, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 9, पीछे हम डायरेक्ट भेज रहे थे लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्टेप प्रॉपर दिखाने, तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से ये 9 कैंसिल होगा, 9 5s are 45, तो आपके पास 9 is less than 5, ये वैल्यू आ गई। अब 9 is less than 5 को आप सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करेंगे कि वाई सच दैट वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सवाल में कहा था नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड वाई इज लेस देन 5, तो वाई इज लेस देन 5 का मतलब वाई से छोटी वैल्यू सबसे पहले नेचुरल नंबर में कौन सी आती है, 4, 4 के बाद ही 5 आता है, तो उससे 5 से छोटी वैल्यू 4 हुई, तो 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन नेगेटिव वैल्यू तक, ये इन्फिनिटी वैल्यू तक चलता रहेगा, तो y इज लेस देन 5 का मतलब ये हुआ। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ आप इस तरीके से करते हैं, मैंने आपको लास्ट जो पहला सवाल था प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पर आपने उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में लाइन खुद ड्रॉ करें, मैंने यहाँ पर इस जगह पर डिविजन बना दी, बाकी पूरा स्केल आप खुद ही छोटे छोटे डिविजन बनाए। आपको रिप्रेजेंट करना है y इज लेस देन 5, तो पहले तो 5 आइडेंटिफाई करेंगे पेंसिल से क्योंकि नंबर लाइन ड्रॉ की होगी, तो ब्लू पेन से आप यहाँ पर सर्कल बना दें, डॉट बना दें 5 के ऊपर, और फिर उसके बाद 5 के स्ट्रेट यहाँ पर एक सर्कल बनाए, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि आपका 5 इंक्लूड नहीं है, ये जो हम एम्प्टी सर्कल बना रहे हैं, एक होता है फिल्ड सर्कल, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके सर्कल बना के उस पर कलर कर देता ये फिल्ड सर्कल कहलाता, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इंक्लूड है। तो अगर मेरे पास y इज लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल होता, फॉर एग्जाम्पल लेस देन एंड इक्वल टू 5 इस तरह लिखा होता, तब हम ये डार्क सर्कल बनाते, फिल्ड सर्कल बनाते, लेकिन अदरवाइज अभी हमने यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू इंक्लूड नहीं है, यानी 5 इज नॉट इंक्लूडेड। अब क्योंकि लेस देन 5 है तो उल्टी डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे कि लेस देन 5 जितनी भी वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में होगी, तो आपने इस डायरेक्शन में एक एरो बना के लाइन ड्रॉ कर दी और कहा कि ये y इज लेस देन 5, तो y इज लेस देन 5 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके सवाल में दो चीजें बोली थी, एक सोल्यूशन सेट और एक आपका नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन, वो आपने यहाँ पर इस सवाल में कर ली। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन आता है, ये पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास यहाँ पर एक और चीज है कि आपसे कहा है कि यहाँ पर एक इनइक्वालिटी आ गई, लेस देन का सिंबल आ गया, जब भी मॉडुलस हटाएंगे और इनइक्वालिटी होगी तो अब यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है, वैल्यू तो प्लस और माइनस की होगी अलग अलग, आपके पास वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जहां पर आप मॉडुलस हटाएंगे अल्टीमेटली दूसरी साइड पर प्लस माइनस आएगा, लेकिन एक तरफ वैल्यू लिखी जाएगी
वही जो आपके सवाल में दूसरी तरह वैल्यू उसके अपोजिट लिखी जाएगी, यानी कि अगर सवाल में लेस देन है तो आइदर दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन दिस और दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस। तो आपके पास यहां पर इनइक्वालिटी जब भी होगी, पीछे तो इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू के साइन में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी आगे पीछे वैल्यू करने की, सिर्फ प्लस माइनस साइन चेंज करते थे, लेकिन यहां पर आपके पास जरूरत है इधर आपका अगर लेस देन है तो दूसरा आपका ग्रेटर देन होगा, तो पहले लेस देन आपका ये मॉडुलस हटा, तो आइदर 2x प्लस 3 इज लेस देन x प्लस 2 और 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ x प्लस 2। तो यहां दो चीजें याद रखनी है, एक जब मॉडुलस हटेगा तो प्लस और माइनस साइन आएगा, एक तरफ अगर लेस देन है तो दूसरी तरफ ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व आराम से कर लेंगे, 3 और x को शिफ्ट करें अपनी अपनी जगह पे, तो 2x माइनस x और प्लस 2 माइनस 3, तो x इज लेस देन माइनस 1, एक ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करें x और 3 आगे पीछे करने के बाद, यहाँ पर माइनस x का उधर भेज के आपने प्लस x किया, अरे माइनस मल्टीप्लाई होगा x, तो माइनस x माइनस प्लस माइनस 2, तो आपके पास 2x उधर भेजा प्लस x, प्लस 3 उधर भेजा तो माइनस 2 माइनस 3, 3x इज ग्रेटर देन माइनस 5, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 3। इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 3, अगर मैं इसको देखने का तरीका बदल दूं, यहां से देखूं तो मुझे नजर आएगा माइनस 5 अपॉन 3 इज लेस देन x, ये बात समझ आती है, माइनस 5 अपॉन 3 इज लेस देन x बोलो या x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 3 बोलो, बात देखी है। तो आपके पास यहां पर इफ x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 3, तो आपके पास ये चीज ऐसे भी कही जा सकती है कि माइनस 5 अपॉन 3 इज लेस देन x, तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि सवाल आपके पास नेचुरल नंबर ही था, यहाँ पर किताब में मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक है, वो भी साथ में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 3 एंड x इज लेस देन माइनस 1, तो आपके पास x इज ग्रेटर देन माइनस 5 अपॉन 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखा हुआ मैंने, एंड x इज लेस देन माइनस 1, उसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 5 अपॉन 3 के दरमियान लाए करती है। अब माइनस 1 और माइनस 5 अपॉन 3 x माइनस 1 से छोटा है और माइनस 5 अपॉन 3 से बड़ा है, आप अगर माइनस साइन के साथ देखें तो ये वैल्यू माइनस 1 से छोटी है, ये तकरीबन माइनस 1.67 के अराउंड होगी वैल्यू, और माइनस 1 आपका बड़ा है एज कम्पेयर टू माइनस 1.6 या 1.7 जो, तो आपका ये तो सॉल्यूशन सेट आ गया, लेकिन सवाल में मसला ये कि दरकार है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर कहा जाता बिलोंग्स टू रियल नंबर तब तो बात हमें समझ आ जाती, तब तो हम कहते ठीक है, लेकिन अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते ही आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले नंबर है, तो मेरे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर गलत है, लेकिन क्योंकि सवाल को हल करना सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी साथ में दे रहा हूँ कि अगर सिर्फ यहाँ पर एन की जगह आर होता रियल नंबर तब ये सोल्यूशन पॉसिबल था, लेकिन किताब ने आपका सोल्यूशन मेरे ख्याल से ही दिया हुआ है आपका। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट के आपने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव है तो मैं यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लिख ही नहीं रहा, जीरो के बाद पहला पार्ट 1 अपॉन 3 माइनस था, दूसरा पार्ट -2 अपॉन 3, तीसरा पार्ट -3 अपॉन 3, -3 अपॉन 3 को -1 भी लिख सकते हैं, ये पीछे इस तरह के सवाल है चैप्टर 1 में हमने सीखे हुए भी हैं। अगला डिवीजन -4 अपॉन 3 होगा, -3 अपॉन 3 के बाद क्या होगा -4 अपॉन 3, उसके बाद -5 अपॉन 3 और उसके बाद -6 अपॉन 3, -6 अपॉन 3 को आप -2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x इज ग्रेटर देन -5 अपॉन 3, -5 अपॉन 3 पे सर्कल बनाए और x इज लेस देन -1 तो -1 पे सर्कल बनाए, आपके इस दोनों सर्कल के दरमियान जो लाइन है x की वैल्यू वहां लाए करती है, ये आपके पास नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये सवाल गिवन है जिसमें कहा है कि 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तरीकेकार वही जिस तरह फोर्थ पार्ट में हमने काम किया था, आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से सोल्यूशन की एडिंग डालनी है, मैंने शॉर्ट लिखा है, आपके पास ये स्टेप आ गया। अब आइदर 2y+8 इज लेस देन 11 और 2y+8 इज ग्रेटर देन -11, ये आपकी कंडीशन होती है जब भी इनइक्वालिटी को आप सेपरेट करते हैं, तो
मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आइदर और करके कंडीशन अलग हो गई। अब 2y plus 8 is less than 11 में 8 उधर भेजे, 11 minus 8 3, तो 2y is less than 3, यानी कि y is less than 3 upon 2। अब आपके पास y is less than 3 upon 2 एक कंडीशन आ गई। दूसरा 2y plus 8 is greater than minus 11, 8 उधर भेजे, minus 11 minus 8 minus 19, तो 2y is greater than minus 19, यानी y is greater than minus 19 upon 2। तो जिस तरह पीछे आपको मैंने कहा कि y is greater than minus 19 upon 2 या minus 19 upon 2 is less than y, दोनों एक ही हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये जो 3 upon 2 है, that is basically 1.5 और minus 19 upon 2 basically minus 9.5 है, क्योंकि आपके सोल्यूशन सेट, अब एक पार्ट तो सोल्यूशन सेट का था, तो आप सोल्यूशन सेट निकालेंगे, क्योंकि गिवन है कि y belongs to real number, पीछे मिस्टेक थी, मैंने वहां कहा नेचुरल नंबर गिवन है उसको भी रियल नंबर ही कर लें ताकि आपका सोल्यूशन सेट प्रॉपर हो जाए। किताब में वो मिस्टेक थी इसलिए मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। सोल्यूशन अगर एग्जाम में आएगा अव्वल तो गिवन होगा कि बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, नहीं गिवन होगा तो आप उसको बता देंगे, मेंशन कर देंगे। बहरहाल y such that y belongs to real number and minus 19 upon 2 is less than y and y is less than 3 upon 2, ये आपने आंसर जो निकाला उसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये तो आपके पास काम हो गया सोल्यूशन सेट का। नेक्स्ट आपके पास काम था नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन आपकी ये गिवन है। अब आपने स्टार्ट यहाँ पर जीरो से किया, जीरो राइट साइड पे वन, उसके बाद टू, और इधर जीरो के बाद माइनस वन माइनस टू। अब माइनस थ्री माइनस फोर करते जाते, तो अगर जगह है तो करें, जैसे एग्जाम में आ गया कॉपी अच्छी खासी बड़ी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपकी किताब में अगर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस तरह सोल्यूशन सेट बना के इस तरह नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया है तो किताब वाला सोल्यूशन लेके चलना है। तो किताब में मेरे ख्याल से माइनस टू के बाद माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव होगा, तो आप भी यहाँ पर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स अप टिल माइनस नाइन तक या माइनस टेन तक कर लें अगर किताब के एंड में। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर मेरे पास 20 की वैल्यूज बहुत सारी इस्तेमाल होनी है और वो आपके पेज से बाहर निकल जाएंगी, तो ये आप श्रिंकेज का साइन लगाते हैं, यानी आपने अपनी लाइन को श्रिंक कर दिया, तो ये सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स ये माइनस टू और माइनस एट के दरमियान वो सारी वैल्यूज हैं, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, तो आपकी इसके दरमियान वो सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो माइनस टू के बाद माइनस एट डायरेक्ट बेसिकली नहीं है, बीच में ये श्रिंकेज साइन है और ये आपके पास माइनस थ्री माइनस फोर जितनी वैल्यूज है माइनस सेवन माइनस एट तक वो यहाँ पर आएंगी। ओवरऑल माइनस एट माइनस नाइन और माइनस टेन। अब थ्री अपॉन टू बेसिकली 1.5 है प्लस साइन का, तो 1.5 वन और टू के दरमियान मिड में होगा। माइनस 9.5 19 अपॉन टू 9.5 माइनस के साथ है, तो बेसिकली 9 और 10 के दरमियान 9.5 होगा। तो आपने दोनों जगह आइडेंटिफाई की, इधर आपने सर्कल किया, इधर आपने सर्कल बनाया यानी पॉइंट लगाया, और ऊपर उसी सीध में एक सर्कल और दूसरा उधर सर्कल ड्रॉ किया और फिर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां से यहां तक आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये सवाल आपका इस तरीके से आंसर होगा। एग्जाम में आपके पास ये सवाल जब आता है अगर और आपको इस तरीके से करना पड़ता है तो आपने एग्जाम में नहीं करना, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने करवाया। किताब में आपको ये चीज ये सिंबल नहीं इस्तेमाल करवाया, आपको पूरी वैल्यूज लिखवाई है तो पूरी वैल्यूज ही लिखनी है। यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट अगर मजबूरी हो तो अप्लाई कर लें, जगह हो तो आपको यह कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, पूरा लिखना है। बीच में तीन चार लाइन ड्रॉ करना कितना मुश्किल काम होगा, आराम से कर सकते हैं, जगह है तो करें, बिल्कुल करें। चले अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं, सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पर सवाल ये गिवन है, इसमें भी कहा है कि y belongs to real numbers, ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होगी, 5 मल्टीप्लाई करें 10y माइनस 15 हो गया, इधर 6 मल्टीप्लाई करें 6y माइनस 48 हो गया। 6y को लेफ्ट साइड पे माइनस 15 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10y माइनस 6y दैट इज 4y और माइनस 48 प्लस 15 दैट इज माइनस 33, यानी 4y इज ग्रेटर देन माइनस 33। जब आप 4 को उधर भेज के डिवाइड करेंगे तो y विल बी ग्रेटर देन माइनस 33 अपॉन 4 और y इज ग्रेटर देन माइनस 8 ऑफ 1 अपॉन 4। आपके पास 8 इंटू 1 अपॉन 4 फ्रैक्शनल फॉर्म लिख दी,
तो फ्रैक्शनल फॉर्म आपके रिप्रेजेंट नंबर लाइन में आराम से हो सकती है, यानी कि 8 - 8 का मतलब ये वाली वैल्यू, -8 × 1/4 का मतलब उसके बाद 1/4 वैल्यू, -8 × 2/4 का मतलब सेकेंड फोर्थ वैल्यू, तो इस तरीके से थर्ड फोर्थ और एंड में फाइनल आपकी -9 आती है। ये नंबर लाइन मैंने पिछले चैप्टर 1 में काफी डिटेल में सिखाया हुआ है, अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा तो आप चैप्टर 1 दोबारा से रिवाइज करें, वहां पर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो बहरहाल आपके पास ये नहीं भी समझ आ रहा तो आपका आंसर ये है, आप इधर आंसर लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में आप यही लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आपके पास है वाई, सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वाई इज ग्रेटर देन -33/4। तो -33/4 नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपके पास 0 के बाद 1, 1 के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 से पहले -1, -2, -3, -4 करते करते -8 और -9, क्योंकि आपके -8 और -9 के दरमियान -33/4 आता है, -33/4 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेसिकली -8 × 1/4 आएगा, यानी 8 × 1/4 ऑफ 8, तो आपका यहाँ पर 1/4 ऑफ 8 ये है। आपने 8 और 9 के दरमियान 4 टुकड़े किए, ये पहला टुकड़ा, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा टुकड़ा, तो आपके 1/4 ऑफ 8 ये वाली लाइन है। आपने इधर ब्लू पेन से डॉट लगाया, पॉइंट आउट किया, और उसी चीज में एक सर्कल ड्रॉ किया और एरो इस डायरेक्शन में बनाया, क्योंकि ग्रेटर देन है -33/4, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज -33/4, तो -33/4 से बड़ी वैल्यूज सारी इस तरफ है, तो आपने इस तरफ का एरो बनाया और आपके पास यहाँ पर y इज ग्रेटर देन -33/4 रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। आपको सवाल में कहा था कि जो सोल्यूशन सेट है उसको रिप्रेजेंट करना है अपनी नंबर लाइन में, तो ये आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की है, आपसे कहा है कि अली स्कोर्ड 66 और 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, दो सब्जेक्ट है, एक में 66 और एक में 72 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए फॉर हिज टू टेस्ट, व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज थर्ड टेस्ट। एक और तीसरा टेस्ट भी है जिसमें उसके कितने मार्क्स होंगे, अब आपसे सवाल किया है कि कितने लोएस्ट मार्क्स होंगे, कम से कम कितने होंगे, एटलीस्ट इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75, जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब इससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, तो कम से कम का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 75 का मतलब 75 जितनी या उससे बड़ी, एटलीस्ट का वर्ड जब भी आएगा एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम अगर मैं कहूँ आपके पास कम से कम 100 रुपए होने चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए तो मिनिमम है, आपके पास 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या, आपके पास जो यहाँ पर मार्क्स आएंगे वो कम से कम उसका एवरेज 75 आएगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के सिंबल को। सवाल में कहा इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज, एक बोनस प्राइज कोई ना कोई होगा, हो सकता है उसको कोई पेन मिल रहा हो, कोई घड़ी मिल रही हो, कुछ भी बोनस प्राइज हो, तो उसके लिए 3 टेस्ट में उसका एवरेज 75 से ज्यादा होना चाहिए। तो जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि आपका एक सरप्राइज टेस्ट अगर मैं लूंगा या नॉर्मल आपके टेस्ट होंगे, तो मैंने आपको ग्रैंड बोनस अगर कह दिया कि बोनस आपको मिलेगा, आप अपने किसी टेस्ट में मोर देन 90% ले आए, मैं पीछे आपको 2-3 टेस्ट में उतने ही मार्क्स दे दूंगा, तो आप लोगों का वो बोनस प्राइज हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, 2 टेस्ट के मार्क्स बता दिए, तीसरा टेस्ट उसको नहीं पता क्या नंबर है, तो तीनों टेस्ट का एवरेज जब आपके 2 टेस्ट होंगे उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 होगा, 3 होंगे डिवाइड बाय 3 होगा, 4 होंगे तो 4ों का सम डिवाइड बाय 4 होगा, तो 3 टेस्ट का सम लेके डिवाइड बाय 3 करेंगे, ये कहलाता है एवरेज ऑफ 2 3 टेस्ट। तो आपने यहाँ पर 3ों को ऐड किया डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला है एवरेज लेने का। सवाल में आपने आपने पढ़ा यहाँ पर के आपके इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75 इज रिक्वायर्ड, तो अगर 3ों को सम करके डिवाइड बाय 3 यानी एवरेज स्कोर निकाल लें, इसका सम यानी इसका एवरेज एटलीस्ट 75 आना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75। तो यहां पर आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का सिंबल वहां यूज होता है जहां पर आपसे बोला जाएगा एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम वैल्यू एक होती है, उससे ज्यादा वैल्यू आ सकती है।
तो बहरहाल ये गिवन कंडीशन आपकी आ गई, तो सोल्यूशन आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, लेट करना है एक्स इज इक्वल टू लोएस्ट मार्क्स ऑन द थर्ड टेस्ट। अब आपको फॉर एग्जाम्पल टेस्ट पता नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं, आपको ये पता है कि मेरा अगर एवरेज 75 आ गया या उससे ज्यादा आ गया तो मुझे बोनस मिल जाएगा। तो मेरे कम से कम तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, वो यहाँ पर अली साहब जो है निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि एक्स वो लोएस्ट मार्क्स है कि मिनिमम इतना आए तो मेरे पास 75 वैल्यू आ जाए सारा कुछ इक्वेट करके। तो लोएस्ट मार्क्स ऑन द थर्ड टेस्ट एक्स की वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके दो टेस्ट 66 और 72 मार्क्स उसमें आ चुके हैं, तीसरा अभी हुआ नहीं है या उसको पता नहीं है। तो उसको एक्स कह दिया होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये गिवन कंडीशन है। 66 प्लस 72 आपका 138, एंड में आपने कहा 138 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन 75, 3 उधर बेच के मल्टीप्लाई करें, आपके पास 75 मल्टीप्लाई बाय 3 138 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करें 75 into 3 225 होगा, आपके पास 138 इधर है उधर भेज के आप इसको माइनस कर देंगे, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 225 माइनस 138 दैट विल बी इक्वल टू 87, यानी आपके लोएस्ट मार्क्स उस थर्ड टेस्ट में 87 आने चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 87 का मतलब के अली मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 87 मार्क्स इन हिज थर्ड टेस्ट। वजह उसकी क्या है कि कम से कम 87 आएंगे तो उसका सम 75 का, यानी उसका एवरेज 75 के बराबर या उससे ज्यादा आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 75 के लिए मिनिमम मार्क्स 87 आने चाहिए टेस्ट में। ये तरीकेकार होता है एवरेज के थ्रू अपने मार्क्स निकालने का, और ये वाले सवाल में आपको जो सोल्यूशन करना था वो इस तरीके से करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है 7 less than 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसमें आपने सम करना है 5, सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 11। तो 7 लेस देन का मतलब 7 माइनस करना है, 7 माइनस करना है 3 टाइम्स द सम, 3 टाइम्स द सम ब्रैकेट में कुछ ना कुछ सम हो रहा है, ऐड हो रहा है, द सम ऑफ नंबर, वो नंबर अभी हमें नहीं पता, हम अज्यूम कर रहे हैं वो एक्स है, एंड 5 और 5 का। तो आपके सवाल में क्या है 7 less than 3 times the sum of a number and 5 is at least 11, at least 11 कम से कम 11 आएगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है, at least का मतलब greater than and equal to। तो यहां पे आपके पास जो सवाल गिवन है उसमें आ जाएगा find all the number that satisfy this condition, आपने वो सारे numbers बताने हैं जो satisfy करेंगे इस given condition को। तो सवाल एक दोबारा बता रहा हूं, 7 less than 3 times the sum of a number and 5 is at least 11। अब आपको बताना है जो नंबर आपने यहां पर कहा वो नंबर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपने उसी तरीके से जिसमें पहले सोल्यूशन की एडिंग डालनी है, लेट करना है एक्स इज द रिक्वायर्ड नंबर, ये आपने लेट किया, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन मैंने समझा दी, ये आ रही है। अब यहां पर आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लें, 3x प्लस 15 माइनस 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 11, 15 माइनस 7 8, 8 उधर भेज दें 11 के पास, तो 11 माइनस 8 यहाँ प्लस था उधर माइनस हो गया, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, तो 3x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 3 उधर भेज के डिवाइड करें, यहाँ पर एक स्टेप ऐड कर सकते हैं जो मैं पीछे करवा रहा था कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, तो वो भी कर सकते हैं, आपके स्टेप बढ़ जाएंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, 3 से 3 डिवाइड करें, ये कैंसिल होगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 अपॉन 3, तो आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आंसर आया, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। इन दोनों सवाल में सोल्यूशन तो वही जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में किए थे, लेकिन जो आपकी कंडीशन है इसको पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम इसी को कहते हैं, सवाल गिवन है उसमें से कंडीशन खुद निकालना ये आपको आना चाहिए, तो यही चीज आपको यहाँ पर सिखाई है। तो आपके पास x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इस कंडीशन में 1 या उससे बड़ी कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, आंसर आपके पास यही हमेशा आ रहा होगा। तो आप यहां पर स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे एंड एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपके पास जो सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी कहते हैं, तो एनी नंबर दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो कोई भी नंबर 1 से बड़ा या 1 के बराबर, इटसेल्फ 1, आपकी इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो सवाल में आपसे बोली गई थी।
ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 6.3 का। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है और पूरा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?